घुसने के बाद जैसे ही हम गन उठाने जाते हैं हमें कुछ आवाज आती है। बोइसो तेरी अंडी मंडी संडी। वो आवाज सुनने के बाद हमारी फट जाती है। हम गन लेके भागते रहते फिर पीछे आते हैं। वे बोलते हमको नहीं चाहिए, हम सारा गन उन छोड़ते, बोलते हम तो थे ही नहीं, हमने तो कुछ लूटा ही नहीं। हेलो 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 गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए लल्लन टॉप वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग, आओ तो देखते हैं आज की बकचोदी। तो आज का खेला शुरू होता है। आपको पता है हम बस एकदम गर्मा गर्म बोले तो एकदम हॉट हॉट ड्रॉप ही करते हैं। हॉट ड्रॉप में इस समय पोचिंग की अपना घर बार सब कुछ वहीं, भले मर जाए चार बार मरे पाँच बार मरे लेकिन जाना हमें कहाँ है, पोचिंग की। क्यों घर और बार, घर को छोड़ के कहीं जा सकते नहीं जा सकते। तो जल्दी हम उतर लिए पोचन की, इधर उधर नजरें घुमाते हुए पैराशूट को ऊपर नीचे करते हुए आखिर में गिरते हुए उतरने के बाद जो भी सामने घर दिखता है उसके अंदर फटाफट फटाफट हम घुस जाते हैं। घुसने के बाद जैसे ही हम गन उठाने जाते हैं हमें कुछ आवाज आती है। बोइसो तेरी अंडी मंडी संडी। वो आवाज सुनने के बाद हमारी फट जाती है। जब हम गन लेके भागते रहते फिर पीछे आते हैं। वे बोलते हमको नहीं चाहिए, हम सारा गन उन छोड़ते, बोलते हम तो थे ही नहीं, हमने तो कुछ लूटा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, यहाँ पर कुछ गन उन थी हम तो उठाए नहीं, हमने देखा ही नहीं। भैया फिर से खटखट 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 निकल लेते वहाँ से भागने दूसरे घर में लूटने। भैया बोलते हम तो थे ही नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं, हमको नहीं मांगता। लूट उठ के बाद भैया बंदा मारने की बारी। हमें पता चलता है कि भाई हमारे बाकी बंदे तो चर्च पे लगे हुए हैं दूसरे स्क्वाड के साथ, पीछे से बैकअप देते देते थोड़ा थोड़ा मारते मूरते धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तनातन कूदते फांदते हम पहुँचते उनके यहाँ फटाफट एकदम सड़ 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 आगे से पीछे से इधर उधर हाथ घुमाते उंगलियाँ यहाँ से वहाँ करते हुए सटासट पहुँचते। तो देखते ऊपर से कोई मार रहा है उसको दो चार हिट देते हैं, झुक जाते हैं, फिर बोलते यार इतने दूर से तो लग नहीं रहा, थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। झुके झुके एकदम हले 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 बढ़ते हैं। देखते हमारा घूंगा चुटकी हमारी एकदम सटासट बंदों को मारे जा रही है, पर सारा का सारा लगता है कि चुरा लेगा। फिर अपना जान जोखिम में डाल के एकदम भागते ऊजी लेके सट 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 एकदम। तब तक हमारे एक बंदे नॉक हो जाते हैं। ये बोले कैसे नॉक किए, एक को हम खिला देते तब तक दूसरा भी आ जाता है सारा, उसको भी खिलाते रहते लेकिन वो उनको मार देता है। फिर पीछे से हमारा बैकअप आता है सट 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 उसको मार देता है वो नॉक। हम फिर तब तक धीरे धीरे रिवाइव होते रहते। तब जब बताते चुटकी को कि यार लेफ्ट से राइट से बंदे आ रहे हैं, जरा देख देखो देख राइट में ऊपर बंदा है भाई, मार उसको मार, ऊपर दिखता है हमको राइट में बंदा। बोलते रहते उसको कि मार यार मार जल्दी मार। तब तक हम उठ जाते भैया, बस हम उठे इनको तो गिराना जरूरी है। फिर क्या हील उल करके सट्टा सट ऊजी निकाल के रिलोड मार के एकदम सट 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 पहुँचते। यहीं सामने एक बंदा ले ऊजी ले ऊजी ले ऊजी, एक गया दूसरा वाला भी यहीं कहीं पूछते कहाँ है, सारा पत्थर के नीचे से पीक दे रहा था वो, पत्थर के पीछे से पीक देता है, पीक देगा कैसे देगा, ले तू दिखा। ये बोले एकदम सट्टा सट दोनों को एकदम घुटनों बल एकदम पेटी उटी बना के बस भागते। फिर दत्तू के पास देखते तो दत्तू रिवाइव हो रहे हैं, तो हम बोले चलो अब रिवाइव हो रहे तो हम लूट ही लेते हैं, सटासट लूट उट करते हैं। यहाँ पे इनको लूटने उठने के बाद बस अब क्या था, गाड़ी दिख रही थी, गाड़ी लेके अब निकलो यहाँ से, गाड़ी में बैठते बंदे उन्दे ढूंढने के लिए सटासट गाड़ी घुमाओ, गाड़ी में सबको बिठाओ, ये चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओला उबेर ओला उबेर किस किस ने बुलाया, फटाफट बैठो बैठो गाड़ी में सभी लोग गाड़ी में बैठते गाड़ी में बैठ गए। यार ये ना दत्तू हमेशा लेट करते हो, ये इनकी लूट नहीं ख़त्म होती, यहाँ देखो वहाँ देखो, सब लूटने के बाद भी इनकी लूट कभी जिंदगी नहीं ख़त्म होती। फिर क्या गाड़ी वोड़ी सबकी लूट उठ हो गई, गाड़ी में बैठ गए सब, लेके निकलते हैं अब गाड़ी हम बंदे वंदे ढूंढने। बंदे ढूंढते ढूंढते हम जॉर्ज स्क्वाड हाउस पहुँचते, जॉर्ज स्क्वाड हाउस पहुँचते घुमाते घुमाते पता चलता कि हाँ जॉर्ज स्क्वाड हाउस में बंदे, ये जॉर्ज सीमेंट्री में लगा देते गाड़ी। बोलते ये चलो इनको पहले मार लेते कुछ किलो बटोरा जाए, सटासट सब राइट से हम लेफ्ट से, लेफ्ट से देखते थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर आगे पीछे देखते कि बंदे कहाँ हैं, पहले बंदे दिखते नहीं। बोलते चलो थोड़ा बाहर से देखा जाए तो ऊपर एक झाँकते रहता है। बोले कैसे झाँकोगे वे, झाँक रहे हो लो गोली खाओ, सट 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 गोली नॉक। अरे बोले दो नॉक, अब गोला बमबारी किया जाए, सटा सट नेट खोला जाए, सट 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 नेट खोले, अभी नेट खोले मारेंगे फटक ये ढम से, ये फटा ले फटा मतलब
वो नहीं फटा, लेकिन कुछ तो फटा। भले वो ना फटा हो लेकिन उसकी तो फटी होगी। तब तक यहाँ हमारे टीममेट्स ले गोला बमबारी, मौली ओली आग उग सब फेंके जलाना चालू कर देते। बस क्या था, बाकी सारे नौक यहाँ से गोला बमबारी हो रही है सर सर सर। अब तो बस उनका बचना नामुमकिन। ये स्क्वाड खत्म करते पता चलता है एक और स्क्वाड की लड़ाई चल रही है, तो कहते ही M2 फन कार के लिए पट्ट से नॉक करते सटासट। फिर क्या था, अब स्नान के बारे बोले फिर कार दो को और नॉक कर लेते यहीं से ले M2 पर। भैया स्नाइपिंग तुम जानते हो भाई का स्नाइपिंग एकदम कतई एकदम ले कंटाप सटासट कंटाप मारे जा रहे। फिर क्या था, फिर रश करने की बारी। स्नाइपिंग के बाद बोले थोड़ा स्प्रे के कमाल दिखाए एकदम सट 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 रिएक्ट लगा के ले दना दन नॉक पे नॉक किए जा रहे एकदम फटाफट। बोले भैया जब तक गाड़ी फोड़ ना देंगे तब तक स्प्रे करेंगे एकदम सटा सट। यहाँ पर गाड़ी रेडी थी, हम बोले चलो यार अब जा रहे तो रश कर ही लेते। स्प्रे मारते मारते आगे आगे जा रहे हम लोग, हमारे दो बंदे एकदम आगे पहुँच गए। बोले चलो दो आगे जा रहे संभाल लेंगे हम, पीछे बैकअप देते भागते भागते पहुँच गए हैं। हम पहुँचते तो क्या पता चलता है कि वहाँ पर दोनों जन ने एकदम सबको सफा चट कर दिया, मार मुर के ख़त्म कर दिया। स्क्वाड ख़त्म हुआ नहीं कि पता चलता है ब्रिज पे एक और गाड़ी भैया, उस गाड़ी को हम स्प्रे देते हैं लेकिन बच जाते। भाई जाते जाते हैं उन लोग वॉच टावर के पीछे। फिर क्या था, वॉच टावर के पीछे हम उनको स्प्रे मारे जा रहे। एक आग दो गोली तो लगी लेकिन तब तक हमारा एक टीममेट नॉक हो गए। तब क्या किया जाए, ये बोले टीममेट धीरे धीरे पीछे आते हुए। तब तक हम उनको बैकअप देते हुए स्प्रे करे लग नहीं रहा है, पर क्या करें स्प्रे करना पड़ेगा। फिर निकालते हैं M24 कहते ही एकदम देखते पट से एक गोली लगी लेकिन नॉक नहीं हुआ। बोले चलो नॉक कैसे नहीं हुआ, तब तक बोलते चलो रिवाइव कर लेते हैं। कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा। मैंने कहा था जाओ गोली चलाओ, कहा था नहीं ना, क्यों चलाई गोली। टीममेट को रिवाइव करते देखते भैया बगल में कहीं बंदा है, तो अपने एक बंदे को बोलते भाई बगल में बंदा यार मारो और फटाफट जाके वो मारता है, मार खत्म करके आता है वो फटाफट। वहाँ पर वो उसको ख़त्म करता है, यहाँ पर हम अपना M2 को निकाल के फिर तैयार। जहाँ देखा ना ये कतई ये देखा ना ये कंटा अपने बच गया साला है, बच गया एक बार बचा ये दो बार। बोले ये हमारी हेल्थ कम है लेकिन मार के रहेंगे। ओ भाई बच तुमसे ना हो पाएगा, बच गया। अरे बच जा रहा, तनिक सा बच जा रहा है, लगेगा ये लो एक गया एक नॉक। और ये दूसरा वाला कहाँ है, जा दिखाओ तनिक खोपड़ा, तुम्हारा भी खोलते हैं। खोपड़ा दिखा ही नहीं रहा है बच्चे, खोपड़ा दिखाओ भाई कहाँ गए, छुप गए का अंदर साला। खोपड़ा दिखा रहे, इतनी फट रही है इनके कि खोपड़ा भी नहीं दिखा रहे हम तो। लेकिन बिना खोपड़ा खोले तुम्हारा रिवाइव नहीं करेंगे। ओ भाई टैंक से बच गया एकदम हेल्थ डाउन, लेकिन बोले खोपड़ा बिना खोले हेल्थ नहीं बढ़ाएंगे। ये गया ये नॉक करने के बाद बोले चलो खोपड़ा खोले अब हेल्थ बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा हम खुद ही नॉक हो जाएंगे। तब अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। तब तक देखते हैं हमारा एक टीम में रश कर दिया, उसने एक को नॉक किया दूसरे ने उसको नॉक किया। तब तक हम पीछे हील कर रहे थे, भाई वो पूरा खा भी गया उसको। बोले यार एक तो चला गया, अब क्या किया जाए, यहाँ से गोला बमबारी करते हैं। तब तक हमारे टीम में ऊपर ही जाके उनको पूरा ख़त्म कर देते। बोले वाह एकदम बहुत नाइस। ये स्क्वाड को ख़त्म किया, देखते भाई पीछे गाड़ी एक और आ रही है। बोले यार मतलब माजरा क्या चल रहा है। मैं तो गाड़ी से जा रहा था, मैं तो सिटी बजा रहा था। सट से सट एकदम एक को दो गोल लगा लेकिन साला हमको ही कुचल के चला गया। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तब तक वहाँ पर हमारी टीम मेट वहाँ पर उनका खात्मा करते हुए एकदम सट्टा सट लोइए चलो हम पीछे चलते हैं रिवाइव के। बोले हम रिवाइव होते रहे, यहाँ हम रिवाइव होकर हील उल करते थोड़ा हील उल लूटते हैं सटासट देखते भैया कुछ लूट सकते हैं। लूट उट करते हैं मस्त से एकदम आराम से बैठ के डेरिंग उडिंग रसना उसना पीते। तो वहाँ भैया देखते कि किसी ने हमारे टीममेट को नॉक कर दिया। भाई बोले कहाँ से ऐसे कैसे वही रोक साले में आ रहा। कैसे किसने नॉक किया भाई, हम अपनी M24 निकाल के यहाँ वहाँ देखते हैं पता नहीं चलता है।
स्मोक करने से पहले ही फिनिश कर रहे थे भाई। हम वहाँ जाते देखते कहाँ है, ढूंढते इनको भैया, चढ़ उड़ के ऐसे कैसे मार दिया, ऐसे कैसे कोई मार सकता है, कैसे ढूंढते हैं यार, पर मिलता नहीं वो। जब नहीं मिलता तो हम बोलते चलो यार अब नहीं मिले तो जोन में जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी में बैठते हमारे एक जो टीम में बचा हुआ है हमारा कुंगा, उसको लेते जोन की तरफ बढ़ते। हम बोलते जोन में जाते जाते देख लेते कहीं मिल गए तो बहुत बढ़िया होएगा। जोन में ऊपर की टपरी दिख रही थी भैया, टपरी यानी बोले पहाड़, चौर जो पुल का पहाड़ दिख रहा था। तो उस पहाड़ पे हम पहुँचते हैं, देखते हैं भाई, देख लेते कोई बंदा उंदा मिले तो खेलते हुए जाएंगे। दिक्कत क्या है, 8 बंदे बचे थे, हम दो मतलब 6 वो, हम दो, देखते भैया मिल जाएंगे तो खेलते खेलते जाते। जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं हमें दिख जाते बंदे, फिर क्या था, अब बंदे दिखे तो मारना तो पड़ेगा। भैया गाड़ी साइड में रुकाते, बोलते भैया तरह थोड़ा रुक जाओ, देख लेते एकदम साना नाना पीड़ी रीढ़ी करके अभी इनको ठेलेंगे। एक तो हम ठेल देते, हम एक को यहाँ ठेलते तब तक हमारा बंदा नॉक, बोलते भैया चलो बचाओ इनको, उसको भी ठेलते। बोलते भैया क्या कर रहे थे, कहा देखने गए थे उसको या शक्ल दिखाने गए थे, हमें समझ नहीं आया कुछ करने क्या गए थे। तो चलो अब नॉक हुए तो इनको उठाते, उठाने के बाद फिर हम निकलते जोन में। अब फिर अपनी गाड़ी उठाते निकलते जोन की तरफ, जोन में और निकलते हुए बंदे को ढूंढते हुए बंदे दिख जाते हमें यहाँ पर। भैया बोलते यहाँ पर बंदे हैं, निकालो साइड में गाड़ी उड़ी कहीं पीछे उछ गाड़ी लगाओ। सामने से बंदा भागते भैया बोलते अब इसको पहले मारेंगे उतर के, ले सना नाना ले फिर एकदम सट्टा सट भैया इसको मारते, इसको ख़त्म करते। हमें दिख जाता घर के अंदर बंदा, उसको भी दो चार गोली देते लेकिन राइट से हमें पड़ जाती है, पड़ती है तो हम भी थोड़ा स्पेस पर मारते डराने के लिए इसको। फिर क्या था, फिर हील उल करते हैं, जैसे हील करते रहते हैं पीछे से आवाज़ आती है, हमें लगता है यार लेफ्ट में कोई बंदा है। तो भाई साहब हम लेफ्ट की तरफ भागते एकदम, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे आँखें मटकाते हुए, उंगली मटकाते हुए दिख जाता है इसके पीछे, थोड़ी गोलियाँ उसको मारते, बोलते लो थोड़ी खाओ ये, वहाँ हम वहाँ लुका छुपी का गेम चल रहा, पर क्या ये ज़्यादा लुका छुपी नहीं चलेगी, सट्टा सट इसको ठेल देते हैं। उनको ठेलने के बाद भैया हम अपना हील उल करते, बोलते यार हील उल बढ़ाया जाए नहीं तो दो गोली में तो हम ख़त्म हो जाएंगे। दो तो उनके बंदे चले गए, 2v2 था, बस था क्या। अब यहाँ वहाँ देखते देखते भैया इधर नज़र उधर नज़र, तब तक यहाँ वहाँ देखते थे हमको गोली लग जाती है। ये बोलते अभी तो हम जाने ही वाले थे लेकिन बच गए। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी IGL मैडम का, बिल्लू मैम। वो पीछे से मस्त हमें बताते कि भाई एक जगह ना खड़े रहो, आगे पीछे रहो, एक जगह में दोनों स्प्रे में जाओगे तो ये हम पीछे चले जाते। फिर वो बोलते लेफ्ट से जाओ, तो हम लेफ्ट से जाते घर के अंदर घुसते पूरा, वो हमें एकदम डुबते तो डुबते। भैया ये फ़ायदा होता है IGL होने का, IGL अगर हमारे टीम में एक हो तो कतई आप चिकन डिनर एकदम आराम से कर सकते हैं। तो एकदम मस्त से नेड ओड करने बोलते हम भैया आगे वाले घर में, एकदम एकदम गोला बम फोड़ते। अभी जैसे फूटेगा तो उसकी भी फटेगी, वो ना फटेगा तो उसकी तो फटेगी। तब देखते देखते भैया हमको दिखता है कि यहाँ पर एक बंदा एकदम बढ़िया से मक्खनदार एकदम खड़ा है। तब क्या था, फ्री एक्स लगाया एकदम सरसर सरसर इसको दिया है, उसको दिया, फटाफट पहुँचे, बोले किल सिक्योर किया जाए, किल सिक्योर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सटा सट उसको 4-5 गोली मारते, सनसन सनसन एकदम दन्ना दन वो गया। आखिरी बंदा बचा है वही राइट से, हमारा राइट से, हम लेफ्ट से, हम बोले चलो दोनों साइड से घेरते हैं, जब तक हम पहुंचते हैं तब तक तो हमारा खिलाड़ी एकदम कांड कर देता है। फिर क्या था, डिनर विनर एकदम लजीज चिकन डिनर, मज़ा ही एकदम टनाटन मज़ा आ जाता है।